أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। इस कायनात के बनाने वाले परवरदिगार की बारगाह में इंतहाई खुजू के साथ उसकी हमद सना करते हैं, इसलिए कि तमाम तर हमद सना का सर चश्मा उसी की ज़ात है, तमाम तर तारीफ़ें उसी की ज़ात के लिए हैं, और दरूद सलाम उन पाक व पाकीज़ा इंसानों के ऊपर जो कायनात में अल्लाह के फैज़ का वसीला है, फैज़ परवरदिगार का वसीला है, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन। एक बहुत ही नूरानी हदीस की क़िरात जो वो कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। यह हदीस मुबारक जो है वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसके रावी हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बयान है और फ़ज़ाइल हैं सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के। एक बहर बेकरा है जो इस हदीस के अंदर बयान किया गया है। सरकार दो आलम के बहुत सारे मौजज़ात का ज़िक्र है, आपकी बहुत सारी फजीलतों का ज़िक्र है कि किस तरह पैगंबर अकरम जो है इस कायनात के अंदर कायनात में तमाम तर इंसानियत बल्कि तमाम तर अंबिया के लिए भी उस्वाए कामिल हैं, रोल मॉडल हैं वाकई। तो हदीस मुबारका के सिलसिले को जारी रखेंगे इंशाल्लाह इस नशस्त के अंदर भी, और ज़ाहिर के पस मंज़र यही है कि एक यहूदी आलम ने आकर सवाल किया है कि ऐ उम्मत मोहम्मद, क्या तुमने सारे फ़ज़ाइल जो हैं वो मुस्तफ़ा की ज़ात में तुमने जो है वो देखते हो? तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, फरमाया कि हम इससे ज़्यादा जो है वो हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है, और उसके लिए अमीरुल मोमिनीन ने दलाइल के साथ साबित किया है कि पैगंबर की अज़मत जो है बाकी तमाम तर साबका अंबिया से कहीं ज़्यादा बरतर है। तो बहरहाल सिलसिला गुफ्तगू जारी करते हैं। قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه قد أبرع الأكمة والأبرص بإذن الله। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा यह है लोगों का कि वो जो पैदाइशी तौर पर अंधा है और जो बर्स का मरीज़ है उसको वो अल्लाह के इज़्ज़न से शिफा बख्शते थे। वक़ाल अलहु अलियुन अलैहिस्सलाम, तो मौला ने जवाब दिया, लक़द काना कज़ालिक व मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उतिया माहु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक। पैगंबर को अल्लाह ने इससे ज़्यादा फजीलत जो है अता फ़रमाई। अबरा ज़वील आह मिन आहतिही व बैनमा हुवा जालिसुन इदा सअल अन रजुलिन मिन असहाबिही फ़क़ालू। पैगंबर भी इसी तरह बीमारों को शिफा जो है देते हैं। तो एक रोज़ हजूर ने एक सहाबी के बारे में इस्तफसार फरमाया, तो फ़क़ालू या रसूलल्लाह इन्नो क़द सारा मिन अलबला कहियतिल फ़र्ख लदी ला रीशल अलैह। तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, वो तो इस कदर मरीज़ है तो जैसे कि एक चूज़े के बाल जो हैं उतर जाते हैं। ज़ाहिर है कि वो उस बहुत ही यानी उसकी बुरी हालत है। तो फ़ता हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ायदा हुआ कहियतिल फ़र्क मिन शिद्दतिल बला। तो आप तशरीफ़ ले गए और देखा कि वो वाकई में बीमारी की शिद्दत में है। वक़ाल लहू क़द कुंता तदऊफ़ी सेहत का दुआ, तूने अपनी सेहत के लिए, आपने फरमाया कि तुमने सेहत के लिए दुआ की है अपने लिए। काल नाम कद अकूल कुंत अकूल या रसूलल्लाह, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मैं अक्सर मैं मुसलसल यही कहता था, ये दुआ मांगता था, या रब अय्यमा अकूबत अंत मुआक़िबी बिहा फिल आखिर फ़ज़अलहा ली फिद दुनिया। ए अल्लाह, जो अज़ाब तूने आखरत में देना है वो मुझे दुनिया में दे दे ताकि मेरी आखरत जो है वो उसमें अज़ाब ना हो। वक़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुलता, हज़ूर ने इरशाद फरमाया तुमने ये क्यों नहीं कहा,
अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो ये कहो, ये दुआ मांगो अल्लाह की बारगाह में। तो फ़क़ालहा अर्रजुल, तो उसने यही दुआ मांगी। फ़कअन्नमा नशत मिन इक़ाल वक़ाम सहीहन व खरज मअना, तो वो ये दुआ मांगी तो वो बिल्कुल ठीक हो गया और बल्कि हमारे साथ ही वो फिर जो है वो आया। लक़द अताहु रजुल मिन जुहैना अजज़म यतक़त्ता मिन अलजज़ाम, एक मतलब शख्स और आया जिसको जज़ाम था, यानी सारा बदन जो है उसका। तो फशका अलैह फ़अख़द क़दहम मिन माइन फ़तफ़ा तफ़ल अलैह, तो आपने एक बर्तन जो है वो प्याला एक मंगाया, उसमें हजूर ने अपना लुआब दहन जो है वो फेंका। ثم قال امسح جسدك ففعل فبرع حتى لم يوجد عليه شيء, तो आपने फरमाया कि इसको अपने बदन पे मस करो, इसको मलो। उसने ऐसा ही किया और उसका जज़ाम जो है वो कोड जिसको कहते हैं वो सारे का सारा उसके बदन से जाता रहा। अल्लाहु अकबर। लक़द अतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अराबी अब्रस फतफला मन फीह अलैह फमा काम मिन इंदही अल्ला सहीहन, इसी तरह एक अरब जो है वो आया और उसका उसको बरस की बीमारी थी, तो आपने लुआब दहन जो है उसके उस पर मला तो बिल्कुल जो है वो सही हो गया। बोला इन ज़अमत अन्न ईसब अलैहिस्सलाम अब्रा दल आहात मिन आहातहिम, तुम्हारा ख्याल है कि तुम ये कहते हो कि मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो बीमारियों को शिफा देते थे, बहुत सारी बीमारियों को दूर फरमाते थे। फ़ैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन मुहम्मदी असहाब ही दोबा बेमरतन फ़कालत, तो पैगंबर जो है वो एक दिन बैठे थे, एक खातून आपकी खिदमत में आई, या रसूलल्लाह इन्नबनी क़द अशरफ़ अला हयाद अलमौत कुल्लमा अतैतु बितआम वक़अ अलैहि तसाबुब, या रसूलल्लाह मेरा बेटा जो है, उस खातून ने अर्ज़ किया पैगंबर की बारगाह में, मौत करीबुल मर्ग है, मरने वाला है, मैं जैसे ही खाना लेके जाती हूँ तो वो जमाइयाँ लेता है और गोया नींद का गलबा होता है और वो नहीं खा सकता। वक़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ुमना माहू फलम्मा अतैनाहु क़ाला लहू, तो आप तशरीफ़ ले गए उस नौजवान के पास से, तो आपने ये जुमला इरशाद फरमाया जान याद अब्बल्ला वली अल्लाह, गोया किसी जिन का था वो, उसने उसको परेशान किया हुआ था। और हजूर ने फरमाया कि ऐ दुश्मन है खुदा, इस वली खुदा से दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। वहाँ अना रसूलुल्लाह फ़इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जानब शैतान, तो वो जिन जो है वो बहरहाल चला गया। फ़काम सही है वह माना वफ़ी अस्कर ना, वो सही हो गया और वो फिर अभी लश्कर में हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। वला इंज़ाम तन्नईसा अलैहिस्सलाम अब्रल उम्यान फ़इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द फ़अला मा हुवा अकबर मिन ज़ालिक, आप कहते हो कि अंधों को मसीह अलैहिस्सलाम ने जो है वो शिफा दी पैगंबर के लिए, तो इससे ज़्यादा अजीम बड़े वाक़ियात जो है वो हुए हैं। इन क़तादा बिन रबी कान रजुल सहीहन, क़तादा बिन रबी बिल्कुल ठीक थे। फलमन कान योम अहद असाबत हो तना फ़ी आई नहीं फ़बदरत हदकत हो फ़दहा बेद ही सम्मा ताबहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक नेज़ा लगा और उस क़तादा का जो है वो आँख का जो है वो आँख निकल के बाहर आ गई, उसने हाथ में दी, पैगंबर की खिदमत में आया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इन्ना इमरअती अलान तुबग़िज़ुनी, मैं इस हालत में जाऊँगा तो मेरी ज़ौजा तो बहरहाल परेशान होगी, मुझसे नाराज़ भी होगी, मैं उसको अच्छा नहीं लगूँगा। तो फ़ाख़दहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन यदिही थुम्मा वदहा मकानहा फलम तकुन तुअरफ इल्ला बिह फ़ज़्ल हुस्नहा व फ़ज़्ल ज़ौइहा अलल ऐन अल उख़्रा अजब। सुभानअल्लाह।
तो आपने अपने दस्त मुबारक से उसकी आँख को रखा और उसकी आँख इस कदर खूबसूरत हो गई और उसमें नूर इतना ज़्यादा आ गया कि दूसरी आँख से ज़्यादा बेहतर महसूस से जो है वो होने लगी। वलकद जरह अब्दुल्ला बिन उबैद वबानत यदहु यौम हुनैन फजअला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमस अलैहि यदहु फलम तकुन तुअरफ मिन यद अलउखरा। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबैद जो है उसका हाथ कट गया यौम हुनैन, आया पैगंबर की खिदमत में और पैगंबर ने हाथ को लिया और साथ लगा दिया और वो हाथ दूसरे हाथ से ज़्यादा बेहतर था। वलकद असाब मोहम्मद बिन मुस्लिम यौम कअब बिन अशरफ मिथल दालिक फी ऐनैहि ऐनैहि व यदैहि फमसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फलम तस्तबीनन। तो मोहम्मद बिन मुस्लिम जो है उसकी तो आँख और उसका हाथ जो है वो दोनों निकल गए। हज़रत ने दोनों को अपनी जगह पे रखा और अपना दस्त मुबारक जो है वो लगाया तो वो बिल्कुल यानी दूसरे आँख और दूसरे हाथ की नस्बत जो है वो असल को फ़र्क नहीं था, ज़्यादा बेहतर था। वलकद असाब अब्दुल्ला बिन अनीस मिसल दालिक फी ऐनैहि फमसह फमा अरफत मिन अलउखरा फहादही कुल्लुहा दलालतुन लिनबुव्वतिही। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अनीस जो है उसकी आँख निकल आई, पैगंबर अकरम ने दस्त मुबारक से आँख को रखा तो ये सारी बातें जो है पैगंबर अकरम की नबुव्वत की दलालत के तौर पर हैं। قال له اليهودي يهودي كان لغاك فإن عيسى يزعمون أنه أحيا الموت بإذن الله। جناب مسیح جو ہے وہ بإذن الله مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قال له علي عليه السلام لقد كان كذلك محمد صلى الله عليه وسلم صبحت في يده تسع حصيات تسمع نغماتها في جمودها ولا روح فيها لتمام حجة نبوته। अगर ये बात करते हो तो आठ कंकर जो असलन संग्रेज़े जिनको कहना चाहिए जिनमें कोई रूह नहीं थी तो वो इस तरह जो है वो तस्बीह खुदा करने लगे कि यानी इस कदर वो उस खूबसूरत आवाज़ में, तो ये सारे का सारा आपकी नबूवत की दलील के तौर पे था। वलकद कल्लमहु अल-मौत मिन बाद मौतिहिम, आपके साथ तो मरने के बाद मुर्दों ने गुफ्तगू की है। वस्तगाथु मिन मखाफु तबीअतुहु, बल्कि अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए आपसे जो है वो आपसे दरख्वास्त की। वलकद सल्ला बिअस्हाबि ज़ात यौम फ़क़ाल मा हाहुना मिन बनी नज्जार अहदुन व साहिब हम मुहतसिबुन अला محتسب على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان فلان اليهودي। एक रोज़ आपने इरशाद फरमाया बनी नज्जार का कोई आदमी है तो एक जो है इसी कबीले से उसको तीन दिरहम उसने किसी यहूदी के देने हैं और जन्नत के दरवाज़े पे उसको रोका हुआ है। अल्लाह अकबर। वकान शहीद, और वो नौजवान जो है वो जो शख्स है वो शहीद है। वला इंज़ामतान ईसा कल्लम अल-मौत फलकद काना लमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम मा हुआ आजब मिन हादा। तो अगर आप कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों से कलाम किया है तो पैगंबर के लिए इससे ज़्यादा अजीब जो है वो बात हुई है, और वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा नज़ला बित्ताइफ व हाज़रा أهلها بعثوا إليه بشاة مسلوخة متلية بسم। तो आपका मुहासरा कर लिया अहले ताइफ ने और उन्होंने एक जो है वो जानवर एक गूसफंद जो है दुम्बा उसको भेजा और वो भुना हुआ था सारे का सारा, लेकिन जहरालू था। فنتقت ذراع منها فقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة। तो एक बाजू जो है उस जानवर का वो तो मतलब है भुन चुका था,
वो एक उसका जो है वो बाजू, वो जब पैगंबर खाने लगे तो आवाज़ आई, या रसूलल्लाह मैं जहर आलूद हूँ, मुझे ना खाइए। अल्लाह अकबर। फलो कल्लमतहुल बहीमा वहिया हिया लकानत मिन आदम हुजजिल्लाहिल करीम लनबुवतिही। अगर ये दुमबाज, ये गूसबंद, ये जिंदा होता और पैगंबर के साथ कलाम करता तो ये भी बड़ी अजीम दलील थी आपकी नबुव्वत के लिए। जबकि यहाँ तो मामला ये है कि वो ज़िबा हो चुका, वो भुन चुका, और यानी उसको यानी जहर आलूद किया गया, इसके बावजूद उसने कहाँ जो है गुफ्तगू की। फ़कैफ़ क़द कल्लमतहु मिन बाद ज़िबहिन व सल्खिन वशी। वलक़द कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ बिश्शजरा फतुजीबहु व तुकल्लिमहु अलबहीमा व तुकल्लिमहु अस्सबा व तशहद लहु बिन्नबुव्वा। आपने तो दरख्त से कलाम किया, उसने जवाब दिया, आपसे जानवरों ने कलाम किया, आपसे दरिंदों ने जो है गुफ्तगू की और आपकी नबुव्वत की जो है वो दलील दी। वो तो हद्दुल इसयान हो, बंदों से कहा कि खौफ खुदा करो, ये अल्लाह के नबी हैं। फहादा अक्सर मिम्मा होती है ईसा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे ज़्यादा अजीम तर हैं, ज़्यादा बाफजीलत तर हैं जो अल्लाह ने जनाब मसीह को अता फरमाया। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये सिलसिला गुफ्तगू जो है वो जारी है, इंशाल्लाह आइंदा नशस्त में बाकी आपकी खिदमत में ये रवायत पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि अत्तय्यिबीन।